हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली जो सीढ़ी है तो इसको किस तरह से फिट किया जाता है और ये कितनी लेंथ में आती है। तो ये 8-8 फीट के लेंथ में आती है। तो ये देखो आप किस तरह से इसका लॉक होता है, इस तरह से इसका सिस्टम होता है और जो इसमें है ये जो लॉक देख रहे हैं ये इस तरह से इसमें से निकल जाता है। तो अभी ये लॉक किया गया है, जैसे घुमाएंगे तो बड़े की तरफ जाता है, तो इधर करेंगे तो खुल जाता है। और ये लॉक को खिसका के घुमा के इस जगह लाना है और इस जगह से ऊपर करके निकल जाता है। ये अभी लॉक किया गया है। और ये जो वाटी में आप होल देख रहे हैं, ये होल जब इसमें बारिश के दिनों में जब पानी गिरता है तो इसमें पानी रुके ना, इसके वजह से इसमें तीन साइड से होल दे रखे हैं, देख सकते हैं। उस जगह से इसकी जो लेंथ है वो 8 फीट के करीब करीब है और ऐसे लेंथ देख सकते हैं। ये आपको मिल जाती है 58 इंच के करीब करीब, ये 58 इंच के करीब करीब आपको इसके लेंथ मिल जाती है। और ये जो लेंथ है ये रुंदी वाली, ये आपको 43 फुट 9 इंच के करीब करीब मिल जाती है, 45 से 40 इंच के करीब करीब ये लेंथ मिल जाती है। और ये लेंथ आपको मिल जाती है इसकी 57 इंच, ये देख सकते हैं 57 से 58 इंच के करीब करीब ये लेंथ मिल जाती है। और ये इसको यूज कर सकते हैं जैसा आपको कोई इसमें अभी कलर हमें वॉल पुट्टी करें तो इसको ये 8 और 8 16 करके ऊपर तक काम करेंगे। तो आपके सीढ़ी साइड 5 फीट वो अलग से पकड़ना पड़ती है और उस तरह से ये काम होता है। तो ये सीढ़ी काफ़ी अच्छा है और इसके बनावट भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो ये 8 फीट में 1 2 3 और 4 पॉइंट्स रहते हैं। तो 8 फीट के अंदर ही 4 पॉइंट्स रहते हैं और इसको जोड़ने के लिए एक अलग से पाइप रहता है, इस तरह का पाइप्स आता है, ये वाला पाइप्स इसमें फंस जाता है और ये लॉक लग जाता है। जैसे ये पाइप्स में लिया हूँ, ये देख सकते हैं इसमें डालने के बाद में ये पाइप्स इसमें लॉक हो जाता है। इस तरह से आप ऊपर की सीढ़ी जोड़ सकते हो। इस तरह से लॉक हो जाता है, ये देख सकते हैं इस तरह से लॉक होके ऊपर तक आप इसे ले जा सकते हो। तो इसी तरह इसका काम होता है। तो ये सीढ़ी का आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिया हो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। देखो हमारा आदमी कितने ऊपर रिक्स लेके काम कर रहा है। हाँ? ओके। देखिए ये हॉल की वॉल पुट्टी हुई वाली है पूरी, और ये जो पेंटर साहब है जो वॉल पुट्टी मारने के बाद जो दाग धब्बे रहते उसके घिसाई कर रहे, वो भी बल्ब लगा के, ताकि कोई दाग धब्बे या रेस कोई रहना चाहे इसलिए। देखो कितना रिस्क लेके काम कर रहे हैं हमारे पेंटर साहब, ये ऊंचाई देख रहे हैं अब नीचे से। देखिए वीडियो ना,
Gracias.